ये मैं एक वीडियो चलाना चाह रही हूँ, यहाँ पर सुन लेना इसको। तो ये एक बंदे ने, आप लोगों ने देखी थी ये गुज़श्ता वीडियो, रोज इसमें एक वाकया सोशल सुनो। मीडिया पे फैला कि एक लड़की के साथ बात मीनारे पाकिस्तान पे, जिस टाइम आप देख सकते हैं एक लड़की भी खड़ी है और इतने लोग भी खड़े हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ तो बहुत ज्यादा। मैं ये दिखा दूं कि ये जो है, ये बंदा एक लड़की के साथ वहां पे खड़ा है मीनार पाकिस्तान की जगह पर ही, और अब इसकी बातें सुनना आप, और इस लड़की की बातें सुनना आप। मुझे ऐसी औरतों पे ना इतना गुस्सा आता है ना, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि आई कैंट इवन इमेजिन। उसके साथ पता नहीं इतना जुल्म हुआ, वो हुआ, सब पाकिस्तानी मानते हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ, लेकिन उसकी वजह क्या है? क्या सब लेकिन लड़कियों के साथ यहाँ ऐसे ही होता है? इतने मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में आप जरा कैमरा लगाएं कि मर्द हजरात भी खड़े और एक पाकिस्तानी लड़की भी खड़ी है, किसी की मजाल नहीं है कोई इसको देखे, इस तरह गलत नजर से बैन समझ के सारे देख रहे हैं। तो पहले तो इससे पूछते हैं लड़की से, एक पाकिस्तानी लड़की, की क्यों ये वाकया हुआ? क्या सिर्फ उन मर्दों की गलती है कि उस लड़की की भी गलती थी, या उन लड़कों की वजह से क्या पूरे पाकिस्तान के मर्द गलत हैं? जिस तरह इंडिया में ट्रेंड बन रहा है कि 14 अगस्त को पाकिस्तानी सारे ऐसे हैं या ऐसे, बनाया जा रहा है ट्रेंड, गलत चीज को लेके खिलाया जा रहा है। तो पहले जानते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम उमाइमा है। उमामा, ये बताएं कि जो वाकया अभी जो इतना ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कुछ लड़की के साथ गलत हुआ, मानते हैं हम गलत हुआ, किस नजर से आप उस वाक्य को देखते हैं? जी देखें, मैं जब वो मेरे सामने आया, क्योंकि वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन देखा जाए तो लड़की ही जो होती है, जब वो जिम्मेदार होती है, गलत होती है तो दूसरा इंसान भी गलत होता है। आप इधर कब से आ रहे हैं? जी मतलब आपके लड़की ने खुद इनवाइट किया है, लड़की तो गलती लड़की की ही होगी हमेशा। वही बात आ जाती है ना कि लड़की ने हमें यूं देखा तो उसने फौरन, उसका मतलब था कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ बस। बहुत अच्छा हो गया मैं यहाँ पे आ रही हूँ, और पिछली ये जो 14 अगस्त गुजर चुकी है, यहाँ पे भी मैं आई थी। और आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ कभी, किसी ने आपको तंग किया? नहीं, मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारे मर्द खड़े हुए हैं, उस दिन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आवाम थी, और मुझे कभी इस तरह किसी ने तंग नहीं किया, और कभी इस तरह रोक के किसी ने बदतमीजी नहीं की। कभी रोक के बदतमीजी नहीं की। नाजरीन, वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमने भी उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाई है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसका हमने चेहरा भी दिखाने की कोशिश नहीं की कि हम ना उसको इंटरव्यू करें, चीजें करें। लेकिन जब हमने देखा कि हमसाया ममालिक में ये ट्रेंड बन रहा है कि पाकिस्तान के सारे लोग इस तरह के, तो फिर हमने सोचा कि अभी ही कॉल आई थी। तारे के साथ नहीं होता, ये भी पाकिस्तान की लड़की है कि इस, ये बता रही है कि मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, फिर देखे कभी किसी अच्छा, को, हम जानते हैं ये कैमरे के सामने खड़ा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, और कह रहा है इस पे को तो कोई अटैक नहीं कर रहा, और कुछ पता नहीं लड़की को पैसे लेके खुद ही लेकर आया होगा। ज्यादातर ये मीडिया वाले यूट्यूबर्स जो हैं अपने साथ ही लेकर आते ये हैं। खुद ही लाया होगा जी, 100% आई एग्री विद यू। नहीं, मगर आप कैमरे के सामने खड़े हुए हो, कौन करेगा इस वक्त? ये बात लॉजिक बनती ही नहीं है कि ये हम खड़े हुए यहाँ पे तो कोई खड़े है उसको समझ नहीं कर रहा। पीछे हालांकि पीछे सारे खड़े होके चेक कर रहे हैं इसको, इसकी पीछे मिसाल सारे पता खड़े है क्या होके चेक हमारी, कर रहे इसकी हैं। मिसाल है ये इतना बेवकूफ समझते हैं अवाम को, और अवाम है भी। ये वो मिसाल हो गई हाँ चोर को सामने खड़ा किया जाए और डायमंड रिंग रख के बोला जाए देखो ये चोरी तो करता ही नहीं, देखो देखो चोर को सामने आप सब देख रहे हैं उसको तो चोरी क्यों करेगा भाई। हाँ और पीछे सारे मर्द खड़े हुए हैं, यानी पीछे कोई एक औरत नहीं दिख रही। भाई मैं ये कहती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो कैफेज हो या पराठे या चाय शॉप हो, जो भी हो, रेस्टोरेंट्स हो, जो वैसे होते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वहां पर ज्यादातर आपको लौंडे लपाड़े मिलेंगे ज्यादातर। और बाकी रेस्टोरेंट्स में क्या होता था कि उन लोगों ने साइंस लगाए हुए होते थे, फैमिलीज ओनली, यानी आप लड़के अकेला नहीं जा सकता है वहां पर। और ये क्यों लगाया हुआ है? इसी वजह से पार्क्स में भी, जब वो जो क्लिफ्टन के पास एक पार्क है, वहां पर लड़कों को अकेले जाने की इजाजत नहीं है, वो बंद कर देते हैं। वहां पे आप फैमिलीज के साथ जा सकते हो, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हरकतें हमारी आवाम ने हरकतें क्या करनी है, राइट? तो ये आगे थोड़ा सा सुनो, फिर मैं इसको भी क्या बता नाम सकती है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाजिद है। वाजिद साहब, आप इस वाक्य को किस नजर से देखते हैं कि क्या पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है या एक साजिश है कि 14 अगस्त मीनारे पाकिस्तान इसी दिन ये क्यों हुआ? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी साजिश है, 100% 100% साजिश है। अब यहाँ पर इतनी सारी बहनें आई हुई, इतनी सारी माए हुई, साजिश एक तो ये पता नहीं क्या है इन लोगों का है कि बस साजिश साजिश साजिश। नहीं, वकार की भी बारी आ रही है उसकी। नेक्स्ट, कराची से आई, यहाँ पर जो भी लड़कियां आती हैं, कहने का मकसद है वो हर बंदा अपनी रिस्पेक्ट अपनी इज्जत को साथ लेकर आता है,
अब ये बहन आई है, आप बताएं आपके साथ किसी ने ज्यादती की हो, किसी ने छेड़ा हो, किसी ने आपको सीटी मार, किसी ने भी की? ये नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ। मैं बहुत सी जगह अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ, जॉब करती हूँ। नाज़रीन होते हैं, वाकयात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गलत भी लोग होते हैं, लेकिन सबको ब्लेम करना गलत बात है। तो नाज़रीन ग्रामीण कहने का मकसद ये है, यहाँ पर जो लड़कियां उन्होंने ऐसे ऐसे लिबास पहने होते हैं, वो खुद ब खुद इशारा दे रहे हैं मर्दों को, उन लोगों के साथ होता है। बाद में उन्होंने पहले नंबर 14-15 बंदों को, लड़कों को नंबर इन्होंने दिया होता है, खुद इनवाइट किया होता है, बाद में इनके साथ ज्यादती हो जाती है। फिर हमारी पुलिस फोर्स को बदनाम करें, पाकिस्तान के जितने भी बॉयज हैं उनको बदनाम करें, हमारे साथ तो कुछ नहीं। मेरी भी फैमिली आई हुई है, ये भी फैमिली खड़े, ये भी तमाम दोस्त फैमिलीज वाले आए हुए हैं। बिल्कुल, आपने वो वीडियो देखी जो बाद में आई है, जिसमें वो खुद लड़कों को लेके पहले आ रही है? जी बिल्कुल, मैंने वीडियो देखी है। वो मैं इन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी जो हमें आवाम देख रही है वो भी ये वीडियो देखे, ताकि इनको हकीकत का आप ट्विटर पे लिखेंगे @IAMSaidBasitAli, उस पे पहली वीडियो पड़ी हुई है जिसमें वो स्टार्ट में इंटर करवा रही है और हुआ उसके साथ गलत है, ये हम मानते हैं। उसकी बाकायदा सारी आईडी देखी जाए कि वो किस तरह मुजरा कर रही है। और ये सारी टिकटॉकर्स ऐसी हैं कि खुद फहाशी फैलाती हैं, पाकिस्तान को खराब कर रही हैं, पाकिस्तान के मर्दों को बदनाम कर रही हैं, और फिर बाद में कहती हैं कि हमारे साथ इस तरह की हरकतें होती हैं। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि आम पाकिस्तानी लड़की का ये वो होता है ना, होलियर देन दाओ, कि मैं तो बड़ी शरीफ हूँ भाई। उसके बंदी वो कह रहे हैं कि उसने पता नहीं कितने खराब कपड़े पहने हुए, तो उसने पूरे शलवार कमीज दुपट्टे के साथ गई थी वो वहां पर, और टिकटॉकर उसके, मैंने टिकटॉक के वीडियोस भी देखे, पूरे कपड़ों में है वो, जरा सा कहने तुम लोग चाहते ही नहीं है कोई कुछ करे। टिकटॉकर उसको इन लोगों ने अब क्या बना दिया, मुजरे वालियां। ये बहन जी पाकिस्तानी मर्दों को उठाए, अपना बोरिया बिस्तर गौर करे और किसी और प्लेनेट पे चले जाए, अगर इतनी ये खुश है तो। नहीं, इनको चले जाना चाहिए अफगानिस्तान, वहां पे ठीक रहेंगी, ये अफगानों के पास जाके। पाकिस्तानी मर्दों को बदनाम कर रही हैं, पाकिस्तानी मर्दों की इज्जत लूट रही हैं भाई। अब मर्दों की इज्जत जो छेड़ रहे थे, अब इज्जत भी उनकी लुट गई है, उनका नाम खराब हो गया जी, अब उनकी इज्जत लुट गई है। वैसे तो लुटी हुई है, हमें पता है कि ये जितने हरामखोर थे ये सब के सब मौलवी के मारे हुए हैं, ठीक है। और इनको ना सबको जो 20 पकड़े हैं ना, उनको एक एक रात बारी बारी मौलाना अजीजुर रहमान के साथ जो है ना इस सेम सेल में बंद करना चाहिए। अरे वो मजे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो मजे लेंगे, ये सारे एक दूसरे की गांड करते हैं पीछे से, सब करते हैं। जब इनको लड़की नहीं मिलती ना तो आपस में ही करते हैं ये सारे के सारे। हाँ वैसे ये भी है, मजे करने लग जाएंगे बाकी बात। इन लोगों को तो वो भी नहीं, मैं तो कहती हूँ भाई, आप लोग जो आप लोग अपनी अपनी वो करते हो सजाएं, मैं कहती हूँ कि इनका काट ही दो, सामान ही काट दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बस वहीं पे काट दो, मसला हल। देखिए काटना शुरू करेंगे ना कास्ट्रेट, वो उन्होंने कहा था, नहीं मैं कहती हूँ कि दोनों बॉल्स भी काटो और इनका पीनिस भी काटो, फिर शायद मैं देखना चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है, करके तो देखो ना। आप लोगों ने फांसियां देके देख लिया, उम्र क्या देखी करके, कुछ नहीं हो रहा। आप क्या समझ रही हैं, मौलवियों ने उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है, आप उनका उनको कैस्ट्रेट कर भी दें, वो पिछले दरवाजे से खुद एंट्री करवानी नहीं, फिर उनकी जबान भी तो कुछ लोगों की जबान भी काटनी चाहिए। अमित भाई समझ गए, कैस्ट्रेट नहीं मगर जब वो होगा, जहाँ हर कोई तो नहीं ठुकवाता ना पिछवाड़े से, जो भी है नहीं, नहीं, फिर जब ये हो जाएगा, जब काम नहीं रहेगा तो फिर ठुकवानी शुरू कर देंगे और क्या। तो वो तो उनके ऊपर है ना, मगर किसी लड़की के ऊपर तो फिर नहीं चढ़ सकते ना। लड़की को अगर पकड़ भी लेंगे तो रेप तो नहीं कर सकेंगे ना, उसका वो है ही नहीं उनके पास, तो किस चीज से करेंगे। जिसको कैस्ट्रेट करेंगे ये खुद ही उसके पीछे चढ़ जाएंगे। इस मुल्क में कौन से बेचारे जो है वो क्या उसे कहते हैं, बेचारे ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर भी कौन से सेफ है। फिर उसको आके एकदम से घेर लिया। ये जो एक मैंने ये देखा था, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये मिडिल ईस्ट में ना ये एक गेम की तरह इसको कहा जाता है, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये गेम खेलते हैं, ये मिडिल ईस्टर्न में भी है। इसी तरीके से लड़कियों को बीच में घेर के ये ना इस तरीके से ग्रोप करते हैं और रेप करते हैं फिर उनका। मैं दिखाती हूँ आपको, इसका नाम है, उसे मुझे किसी ने दिया भी था, कहाँ गया, ताहरुश, हाँ ताहरुश कहलाता है ये। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये, let me just share this with you.
तो ये मे भी यहाँ से आ रहा है, ये मेंटालिटी होती है मॉब मेंटालिटी, बट दिस इज अगेन तारुश द सिकनिंग एंड टेरिफाइंग अरब गेम रेप गेम दैट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस यूरोप. हाँ तो ये जो थी केम आउट जर्मनी में हुआ था ये ड्यूरिंग द न्यू ईयर ईव, याद है ना आपको जो जर्मनी में इन लोगों ने न्यू ईयर ईव पे किया था लड़कियों के साथ. ये आप देख सकते हैं कि लड़कियों के साथ इन्होंने इतनी बुरी तरीके से वहां पर वो किया था और रेप रेफ्यूजीज नॉट वेलकम, ये रेफ्यूजीज ने करा था. तो ये तरुश इज अबाउट लार्ज ग्रुप ऑफ अरब मैन सराउंडिंग देयर विक्टिम एंड देन सब्जेक्टिंग देम टू सेक्सुअल असॉल्ट. दे फॉर्म सर्कल्स अराउंड वुमेन एंड इफ देयर आर इनफ मेन ड्रैग द वुमेन अलोंग विद द मॉब, rip their clothes off and physically assault them. The inner circle of the men is the one assaulting the woman, while the middle circle consists of spectators and outer circle tries to divert attention from men that are placed strategically to act if they're trying to help women. So, ye kya karte hain ki ye pura ek tactical unhone game banaya hua hai ki wo ladki ko surround karte hain aur jo beech wale jo sabse aage hote hain ladki ke sath wo usko assault karte hain, jo uske bahar hote hain wo log dekhne wale hote hain aur uske bahar jo ek group bana hua hota hai वो दिखाने के लिए कुछ हो नहीं रहा है और वो एक आंख रखते हैं कोई आ ना जाए इस तरीके से. और ये एक चीज हुई थी जर्मनी में हुई थी ऑन न्यू ईयर्स, ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी. दिस इज अ थिंग दैट हैपेंड इन मिडिल ईस्ट. हां म्यूनिक में, फ्रांस में भी ये हुआ है, सीरियंस जो रेफ्यूजीज गए थे उन्होंने ये किया था. हाँ तो ये जो चीज है ये मिडिल ईस्ट से भी चलती आ रही है, हैपेंड इन कोलोन जर्मनी. हाँ कोलोन वाले इंसिडेंट. हाँ फिर भी हिंदू बदनाम, तुम लोग अपना हिंदू कहां से लेकर आ गए हो बीच में घुसाड़ने के लिए, हिंदुओं को आप लोग बदनाम कर रहे हो, हमें बदनाम करने की जरूरत नहीं है, यही चीजें लिख लिख कर.